हेलो गाइस, क्या हालचाल। नमस्ते और सत श्री अकाल। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम गए थे संडे राइड पे, मतलब संडे एक जगह हम घूमने गए थे। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ गए थे। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे टिकट बुक करना है उसका ऑनलाइन और कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वहाँ क्या क्या है और वहाँ क्या क्या अवेलेबल है, वहाँ हम लोगों को क्या क्या देखने मिलेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं हम। सबसे पहला चीज़ है कि कैसे टिकट बुक करें ऑनलाइन। वहाँ पर ऑफलाइन का भी सिस्टम अवेलेबल है ऑलरेडी, बट अगर आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करके जाना है तो कैसे जाना है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को बता देते हैं कि अभी कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च मारना है SMC ऐप, और आप लोगों को सबसे पहले ही दिखेगा सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सिटी कनेक्ट, तो उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं चले आता हूँ अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बुक करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, COVID-19 सूरत, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा टिकट बुकिंग का, और टिकट बुकिंग पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा सिलेक्ट वेन्यू या फैसिलिटीज़, और उसके बाद इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीन जगह ये सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। जो पहला है वो जगदीश चंद बोस म्यूनसिपल एक्वेरियम है, और दूसरा जो है वो श्याम प्रसाद मुखर्जी जू सरथाना नेचर पार्क है, और तीसरा जो है वो साइंस सेंटर है। तो हमको जाना है सरथाना नेचर पार्क में, तो हम उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोनों डोज का, और उसके बाद ही आप टिकट बुक करें। क्योंकि वहाँ पे अगर आपसे COVID-19 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आप लोगों नहीं दिखाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाएगी। बट वैसे आप लोगों से मांगा नहीं जाता, क्योंकि मैं गया था अभी तो वहाँ पे मेरे से मांगा नहीं था। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा कि कौन से डेट को जाना है, और इसकी आपको एक दो तीन जो भी जाना है, जैसे सपोज़ मैं दो को मान लेता हूँ। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे टाइमिंग, विजिटिंग टाइमिंग जो होता है इसका 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है, तो वो एक ही टाइम है। और उस दिन का जो टिकट अवेलेबल है 19,980 टिकट वहाँ पे 2 तारीख का अभी अवेलेबल है, तो आप बुक कर सकते हैं बेझिझक। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं तो बुकिंग टिकट में क्या है, बुकिंग डिटेल में कि आप लोग एडल्ट अगर हो 12 से 65 ईयर के हो तो आप लोगों का 30 रुपया होगा, और चाइल्ड है 3 से 12 साल का तो 20 रुपया है, सीनियर सिटीज़न है अगर 65 के अबव तो उसका 20 रुपया है, अगर फॉरेनर है 12 साल या 12 साल के अबव है तो 200 रुपया लगेगा, अगर फॉरेनर का चाइल्ड है 3 से 12 साल के बीच में तो 100 रुपया लगेगा, स्टिल कैमरा पर डे के हिसाब से 50 रुपये लगेगा, और पर्सनल वीडियो कैमरा जो होगा पर डे का वह 150 रुपये लगेगा, और फिल्मिंग चार्जेस मतलब अगर प्रोफेशनल कैमरे से अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो 5,000 रुपया है। और उसके बाद आ जाता है बटरफ्लाई गार्डन, अगर चाइल्ड के लिए चाइल्ड को लेके जाते हैं तो उसका 10 रुपये चार्जेस अगर 5 से 12 साल के बीच में बच्चा तो, और अगर बटरफ्लाई गार्डन में जाना एडल्ट को 12 से 65 के बीच में तो उसका चार्ज है 20 रुपया। और आप लोगों को जो चाहिए वो आप बुक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको 2 टिकट कर लेते हैं तो 60 रुपये टोटल प्राइस हो जाती है यहाँ पे, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले नाम पूछा जाएगा, और दूसरी बात कि आधार कार्ड का ID प्रूफ जो है वो तुम्हारा, उसका नंबर क्या है, तो वो नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे इंटर कर दोगे तो फिर आप लोगों को यहाँ जो है नीचे टर्म एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस, इस पर क्लिक कर देना है एंड आई कंटिन्यू दैट द विजिटर्स विजिटिंग द फैसिलिटीज़ आर फुल्ली वैक्सीनेटेड फॉर COVID-19 विथ बोथ द डोजेस, तो इस पर भी आप लोगों को क्लिक कर देना, और कंफर्म बुकिंग में करना है। तो अभी मैंने करंटली आईडी प्रूफ का नंबर नहीं डाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ,
तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बुकिंग करेंगे तो आप लोगों से पेमेंट मेथड पूछा जाएगा, तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी जाना कैसे है आप लोगों को वहाँ पे, तो अगर आप बेसिकली सूरत से हैं या फिर अगर यहाँ के आसपास जैसे सचिन में मैं रहता हूँ, अगर आप डिंडोली से हैं या फिर आप पांडेसरा से हैं, अगर आप सूरत स्टेशन के इस तरफ रहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि आप लोगों को सूरत स्टेशन जाना है। आपको स्टेशन पहुँच के जो वराछा साइड रोड जाती है वो रोड को फॉलो करना है और सीधा सीधा आप लोगों को वो पुल चढ़ के उतर जाना है, और उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा सरथाना नाका। ये जो सरथाना नेचर पार्क है वो है सरथाना में अवेलेबल है, और आप लोगों को वहाँ से फिर नीचे लेना है कमलदीप कॉम्प्लेक्स आएगा, वहाँ से आप लोगों को हल्का सा आगे जाना है और आप सभी को वो है लेफ्ट साइड में पड़ जाएगा। लेफ्ट साइड में आप जैसे ही जाते हैं और सामने ही आप लोगों को बोर्ड दिखेगा सरथाना नेचर पार्क का, और अभी करंटली ऐसा सिचुएशन है कि वहाँ पे जो सरथाना नेचर पार्क लिखा हुआ था उसको थोड़ा सा हटा दिया है वहाँ से, वो हटाने से आई थिंक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, उसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाएगा। इसकी टिकट बारी है साइड में है, अगर आप लोगों को ऑनलाइन टिकट नहीं निकालना है तो यहाँ पे लाइन लगा के आप निकाल सकते हो ऑफलाइन टिकट भी, और ऑनलाइन टिकट वालों के लिए साइड में गेट टिकट बारी के काउंटर के बाजू में, वहाँ से आपको डायरेक्ट अंदर जाना है और वहाँ पे आपको अपना नाम एंट्री करवा देना है कि आपने ऑनलाइन टिकट निकाली हुई है, और उसके बाद आप लोगों को इंटर हो जाना है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ बहुत ही सुहाना मौसम है। तो जैसे ही आप लोग इंटर करते हैं उस जू के अंदर, वैसे आप लोगों को साइड में देखने को मिलेगा सबसे पहले तालाब, उसके बाद आप लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो उसके बाद एनिमल का पार्ट शुरू होता है, और इसमें आप लोगों को तेंदुआ देखने को मिल जाएंगे, वाइट टाइगर मिल जाएंगे देखने को, और आप लोगों को बियर मतलब भालू देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को टॉर्टोइस भी देखने को मिल जाएंगे, ऑस्ट्रिच भी देखने को मिल जाएंगे, और आप लोगों को यहाँ पे लॉयंस भी देखने को मिल जाएंगे, और आप सभी को यहाँ पे नीलगाय भी देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही साथ आप लोगों को हिप्पोपोटामस भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी ये और यहाँ की हम आप टिकट की बात कर दें तो यहाँ के टिकट का जो प्राइस है वह पर पर्सन 30 रुपीज़ है, और अगर आपको बटरफ्लाई गार्डन में जाना है तो आप लोगों का 20 रुपीज़ पर पर्सन फी होगा, बट वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खास लगा नहीं ये गार्डन। तो गाइस अभी बात करते हैं कि सरथाना नेचर पार्क कब स्टेबलाइज किया गया था और कितने एकड़ में फैला हुआ है और किसके थ्रू स्टेबलाइज किया गया था, वो सारी चीज़ें बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो सरथाना नेचर पार्क है वह 1984 में स्टेबलाइज किया गया था सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू, और यह जो पूरा का पूरा सरथाना नेचर पार्क है वह 81 एकड़ के अंदर स्टेबलाइज किया गया है। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, बूम।